आप देख रहे हैं आज एग्जिट पोल जो बनता है हमेशा एग्जैक्ट पोल। जी हाँ, इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का आज एग्जिट पोल अब से ठीक दो मिनट बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या सोच रही है देश में कर्नाटक में जनता। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी होगा या फिर बासवराज बोम्मई इतिहास रचेंगे 38 सालों बाद सत्ता में वापसी करके। कुछ ही देर में, चूंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, 6:30 बजे के पहले हम कोई आंकड़ा आपको नहीं दिखा सकते। 6:27 पर बुलेटिन की शुरुआत हुई है, लेकिन 2 मिनट का आपको और इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम सबसे पहले तटीय इलाके करावल के इलाके के 19 सीटों का हिसाब आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर से लिख लीजिए पेन से, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो। पिछली बार 2018 में 16 सीटें 19 में से जीती थी बीजेपी ने, 3 कांग्रेस ने, जेडीएस 0 और 51% वोट गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। यहाँ पर करावल में इस इलाके पर अगर जल्दी जल्दी से एक एक टिप्पणी ले ले प्रदीप जी, यहाँ पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखती है। 2 मिनट का इंतजार है, फिर सीट और वोट परसेंटेज बताएं। पहले बता दें, कोस्टल कर्नाटक का मतलब जिलों के हिसाब से उत्तर कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका और उड़ीपी, मैंगलोर जो है इस क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की एक खास बात यह है, जो पूरे के पूरे कर्नाटका में इस रीजन को छोड़ के बाकी सब जगह जो नई जातियां होती हैं, जो देश में और कहीं नहीं होती है, लिंगायत, कुर्बा और वोकालिगा, ये तीनों इनसिग्निफिकेंट हैं, यानी ये 5% से कम संख्या में है। तो ये जो इलाका है वो करीब करीब जो यहाँ पर क्या धर्म ज्यादा हावी रहता है, क्योंकि धार्मिक मुद्दे हमने देखा है सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उठाए गए हैं तो वो यही तटीय इलाका रहा है, जहां पर एक तरफ हिजाब का मामला देख लें, गौ रक्षा का मामला देख लें, लव जिहाद का मामला देखें, बीजेपी लगातार इस पर आक्रामक रही है और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर जवाब देने से इन इलाकों में बचती रही है, और इसी वजह से पिछले बार का भी परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा था। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए ये इलाके जैसे मैंने कहा हिंदी भाषी राज्य की तरह, यहाँ की जो जनता का बर्ताव है और जो चॉइस है जो पार्टी के ध्यान में रखते हुए, वो करीब करीब जैसे हिंदी भाषी राज्य होते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रुझान आते हैं यहाँ पे लगातार कई इलेक्शन आफ्टर। क्या क्या इशारा कर रहे हैं देख लीजिए, क्या क्या इशारा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े नहीं बता रहे हैं। गौरव भाटिया जी आपका इंतजार भी, संजय जी आपका भी खत्म होगा, आपका भी श्वेता यादव जी, क्योंकि अब 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजते ही हम आपको तटीय इलाके की 19 सीटें जिसमें पिछली बार 16 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कि तटीय इलाका यानी शुरुआत अगर ऐसा है तो आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, आप गेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको तटीय इलाके का आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो ये देखिए तटीय इलाके में क्या कह रही है जनता, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं विधानसभा से आगे। तो आ गए हैं नेता सामने और फिलहाल 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को, जो कि पिछली बार से लगभग 1% कम है। 50% वोट्स बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, 40% मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है और इसी के साथ 6 जेडीएस की तरफ है। ये वोट परसेंटेज है, हम आपको बता रहे हैं वोट परसेंटेज, 4% वोट अन्य को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे किसको कितनी सीटें, 19 सीटें जो है उसमें से 16 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, वोट परसेंटेज 51, इस बार 50% है। करावल ये तटीय इलाका है जिसमें आपको बता दें दो समुदाय जो हावी हैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स में, वोकालिगा, लिंगायत, कुर्बा, तीनों वहां पर नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। और जो एक लाइन में इशारा प्रदीप गुप्ता जी ने किया वो दिलचस्प है कि ये जो उत्तर भारत है उसके राज्यों की तरह यहाँ पर लोगों का रिएक्शन रहता है। तो तटीय इलाके की 19 सीटों पर कौन हो रहा है इस बार हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक हावी, 50% वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस पे वोट परसेंटेज में बड़ा खुश मत होइएगा जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में 38% वोट कांग्रेस को गया था और सरकार 36% वोट के साथ बीजेपी की बनी थी। तो सीट कन्वर्जन जो वोट परसेंटेज है उसके हिसाब से बड़ा कर्नाटक, कोई दूसरा राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ये टेम्पलेट कर्नाटक का फिट होता हो, क्योंकि लिंगायत, वोकालिगा, कोरबा जो अलग अलग समुदाय यहां पर है उनको आप देखिएगा 13% मुस्लिम मतदाता है। इन सब का वोट करने का तरीका बड़ा ही यूनिक है कर्नाटक में,
और इसीलिए इस राज्य को इतना दिलचस्प माना जाता है। तो तटीय इलाके में ये 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हुए दिख रहे हैं, जो पिछली बार से 1% कम है। 50% वोट्स कांग्रेस को, 40%। और अब बारी है आपके सामने 19 सीटों पे कौन मिल रहा है इस बार। देखिए 16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ठीक पिछली बार की तरह वही नंबर आ गया है। प्रदीप जी, आपके इस एग्जिट पोल में 16-33 और यहां पर 0 जेडीएस को और 0 अन्य को। ये दिलचस्प है, क्या हम माने कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नगण्य है? बिल्कुल ही नहीं है।